दोस्तों नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल एम एस के फार्म पे दोस्तों दोस्तों आज अपन जो बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक गेहूं किस टाइप से लगाया जाता है क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए आपको जिससे आपकी उपज अच्छी हो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों दोस्तों दोस्तो आज जो मैं खेत पे खड़ा हूँ आप ये देख लो पूरा का पूरा किसान का ऑर्गेनिक प्लॉट है जिसमें इन्होंने गेहूँ लगा रखा है इसकी अपन विशेषता बताते हैं आपको ये सीडल में लगा रखा है दोस्तों ये देख लो आप आप खुद देख लो इसको सीडल में सीडल नुमा लगा रखा है ना कि हाथ से पुक के लगा रहे तो पहले हाथ से लोग पुक के लगा रहे थे ये सीडल नुमा लगाया है इन्होंने जिस किसान ने लगाया इनमें देख लो दोस्तों इनमें आठ आठ इंच का गैप है इनके बीच में और दोस्तों रही बात फर्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक में सबसे पहले गेहूं में खरपतवार होता है और खरपतवार के लिए इन्होंने क्या किया सीडल में लगा रखा है तो इसमें आप छोटा ट्रैक्टर आराम से चला सकते हो जिससे आपका खरपतवार नहीं रहेगा नहीं तो आपको इसके लिए आप पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा इसलिए ऑर्गेनिक गेहूँ के लिए आप इसमें मिनी ट्रैक्टर आराम से चला सकते हो और दोस्तों दूसरी बात रही कि जो ये गेहूँ हैं इसमें ऑर्गेनिक के लिए इन्होंने जो किया है वो मैं बताता हूँ कि जो ये पूरी जो ज़मीन है इनमें इन्होंने करीब ये बता रहे हैं करीब इन्होंने दो टोले गोबर खाद डाला है गोबर खाद दोस्तों हुमिक का काम करता है जो अपने गेहूं में डीएपी का समझ लो आप जो काम करता है वो का वो, का वो काम करता है जी क्या करता है कि गोबर खाद अंदर से बीज को गर्म देता है तो इससे जड़ में अच्छा ग्रोथ और विकास होता है इससे ये पौध इस टाइप से होती है पूरी है ना और रही बात इसको और आगे नाइट्रोजन देने की तो उसमें आप इसमें एक काम कर सकते हो जैसे कि देखो ये फुहारे लगे हुए हैं यहाँ पे देख लो दोस्तों ये देखो भैया इन फॉर्म में आप साथ में आप गौमूत्र दे सकते हो गौमूत्र आप अगर कंटिन्यू हर पंद्रह दिन या बीस दिन में एक बार पानी के साथ गौमूत्र चलाऊँगे तो आपके नाइट्रोजन की जो तो खेत में कमी है उसको पूरा कर देगी दोस्तों ये और ज़्यादा इसमें कोई डिजीज और बीमारी आती नहीं है ठंड अगर अच्छी रहती है तो गेहूँ की ग्रोथ अच्छी और बढ़िया रहती है अभी दोस्तों जो ये अपने जो पोख के लगाते हैं इससे बढ़िया ये जो सीडल में लगाते हैं ना इससे फायदा ज्यादा रहता है इसमें गेहूं कम लगता है और साथ में जो अपन पानी पिलाते हैं और एक ये जो एक की जो पाइप है आप देख रहे हो ये सारी की सारी एक की पाइप है एक की पाइप के ऊपर ये लगा रखे हैं नोजल्स दोस्तों जैसे कि ये पाइप है इससे सारा ये पानी पिलाते हैं इसमें एक से ये आधा इंच से आधा इंच छोटी वाली है देखो मिनी स्टिक वाली होती है ये इससे लगती है उसके साथ में एक खीला लगता है ये ये खीला खाली इस नली को सहारा देने के लिए है जिससे क्या है कि पानी चारों तरफ फैले और ये दिक्कत नहीं आए इसलिए ये गेहूँ में इस टाइप से फोगर जो फुहरे लगते हैं ये लगते है। इससे क्या होता है कि आपको मेड बनाने की जरूरत नहीं और एक जो किसान है उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं आपने वॉल चालू कर दिया आपके जो जितने भी आपको फुहारे दिख रहे हैं ना सारे सारे चालू हो जाएंगे ना इनको कैसे लगाया जाएगा मैं आपको बताता हूँ देखो ये दोस्तों ये एक की पाइप है जिसको ढाई के पाइप से जुड़ा गया देख लो आप हर बीस बीस फीट पे इनके अलग अलग नोजल दिए हुए तो एक की पाइपलाइन निकलती है जिससे क्या ये पानी का मैनेजमेंट आराम से कर सके इसलिए ये जो फारे अगर जो फारे लगे हैं इसमें ये लोग काम करते हैं दोस्तों जो ऑर्गेनिक गेहूं होते हैं इनका जरूर दो से तीन साल उत्पादन कम मिलेगा उसके बाद आपको उत्पादन बहुत अच्छा और बढ़िया मिलेगा दोस्तों ऑर्गेनिक गेहूँ की और जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरूर तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद